परमात्मा तो हमारा त्वम ही ना पिता वसु, त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। वो परम पिता, वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, वो उसके साथ जितने भी रिलेशन हम बनाना चाहें, वो हमारा भ्राता भी है, सैनो बंधुर जनिता, वो हमारा जनक भी है, जनिता है, वो हमारा ज्ञान का दाता भी है, गुरु भी है, हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ निरंतर प्रेरणा देता है, वो हमारा सखा भी है, वो हमारा दोस्त है। एक एक महापुरुषों ने उसको विशेष बल देकर के उसके साथ एक संबंध बनाया और उस संबंध के द्वारा सुहृदम सर्वभूतानाम दृष्ट्वा माम शांति मृच्छति, वो हमारा सुहृद है, वो हमारा पिता है। केवल भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के सब लोगों ने उसके साथ अपने अपने रिलेशन बताए। क्राइस्ट ने भी कहा, द किंगडम ऑफ हेवन विद इन यू, मेरा पिता के साथ मेरा निरंतर संबंध है, मेरा पिता और मैं एक हैं, माई फादर एंड मी आर वन, मेरा पिता और मैं एक ही हैं, ऐसी तादात्म्य स्थिति को उन्होंने अनुभव किया। जो हम संबंध बनाना चाहें उसके साथ, सभी संबंध उसके लिए स्वीकार्य हैं। मीरा ने उसको पति के रूप में देखा, कोई उसको बाल कृष्ण के रूप में देखता है, मानी बच्चे के रूप में देखता है, बालक कृष्ण जैसे बोलते हैं, कोई उसको अपना बच्चे के रूप में देखता है, बेबी के रूप में देखता है, कोई उसको अपना पति के रूप में देख रहा है, कोई उसको पिता के रूप में, कोई उसको माँ के रूप में, कोई उसको गुरु के रूप में, सखा के रूप में, कितने सारे संबंध हैं। तो वरुण देव के साथ हमने अपना सही संबंध स्थापित कर लिया है, तो ऐसे प्रसंग में जो दुख हमें दूसरों के द्वारा अन्यायपूर्वक दिए जाते हैं, तो उस समय हमें राहत दी जाती है, हमें उस वरुण का प्रेम मिलता है, और जो हमें सता रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, उसको दंड मिलता है। और यदि हमने उसके नियम का उल्लंघन किया, जैसे मैंने कहा, तो तत्काल उसके पाश, उसके नियम, उसके गुप्तचर हमको बांध देते हैं। जैसे यूं समझो कि सृष्टि में, सारी सृष्टि में ऐसे कैमरे लगे हुए हों कि हम कहीं पर भी उससे बच न सकें, मन में भी कोई बात आ जाए तो तुरंत वो पकड़ ले, वो कैमरा तुरंत हमारे मन की बात को भी चित्र ले ले। तो ऐसी स्थिति हो रही है वरुण के पाशों की, वरुण के फैले हुए जो गुप्तचर हैं वो इस तरह से इस सृष्टि में काम कर रहे हैं। तो इस सूक्त में उनके नियमों की बहुत ही विशाल रूप से, बहुत ही विकराल रूप से व्याख्या की है। उस मंत्र को मैं आपके सामने रख रहा था, एषां बृहन् अधिष्ठाता, इनका, इन प्रजाजनों का वो महान नियंता है, अधिष्ठाता है, ये जो हम लोग हैं इन सब का वो महान अधिष्ठाता है। अंतिका आदि उपस्यति, अति समीप से देख रहा है, वो बहुत ही नजदीक से देख रहा है, वो वरुण देव जो इन प्रजाओं का अधिष्ठाता है, बृहत महान अधिष्ठाता है। अंतिका आदि उपस्यति, यह चरण, जो व्यक्ति चलता फिरता, तायन मन्यते, यस तायन मन्यते चरण, चलता फिरता अपने आप को परिपालित मानता है, इदम सर्वम देवा विदु, इस सब को वरुण के जो पास हस्त देव हैं, वरुण की जो शक्तियां हैं जो सर्वत्र फैली हुई हैं, उस सब को ठीक ठीक जानते हैं। चलता फिरता कोई व्यक्ति गलत काम करता है, दुष्कर्म करता है, और फिर भी अपने आप को सुरक्षित मानता है, ये कहा जा रहा है मंत्र में। चलता फिरता कोई गलत काम करता है, दुष्कर्म करता है, कोई अन्यथा आचरण करता है, यस तायन मन्यते चरण, अपने आप को परिपालित मानता है, रक्षित मानता है, तायरी संतान पालन अयो, तायन
जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है गलत काम करते हुए भी। सर्वम देवा इदम विदु, वरुण के जो देव हैं, पास हस्त देव, जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है कि हम सब सूचनाएं आपके पास भेजेंगे, वो सब ठीक ठीक जानते होते हैं। अगले मंत्र में कहा, यस तिष्ठति चरति यश्च वंचति, यो निलायम चरति य प्रतंकम, दौसन निषद्ध यन्मंत्र एते राजा तद्वेद वरुणस तृतीया। जो कोई तिष्ठति खड़ा है, जो कोई चल रहा है, चरति यश्च वंचति, किसी को धोखा दे रहा है, यो निलायम चरति, जो छिप करके कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे कि हम छिप करके कुछ गलत काम करना होता है, सबका अनुभव है, अपने अपने जीवन के किसी न किसी प्रसंग में लपेट में आ ही गया है कभी न कभी इस लपेट में। यो निलायम चरति या प्रतंकम, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाकर छिपे छिपे विचर रहा है, दूसरे को कष्ट देकर छिपे छिपे विचर रहा है, दोषन निषद्य यन्मंत्र येते, दो परस्पर मिल बैठ करके जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं कि अब कोई जान ही नहीं रहा है उनकी बात को। राजा तद्वेद वरुणस तृतीया, तीसरा वरुण होकर, वरुण तीसरा बनकर के उस सब को जान रहा होता है, वो परमात्मा, वो वरुण देव जिसकी हम, जिसका हम वरण करते हैं, जिसको जिसको वरेण्य कहा है गायत्री मंत्र में, वो परमात्मा छिप करके जो पाप, छिप करके भी कुछ गड़बड़ करते हैं कि थोड़ा इसको इसको वो कर दो, पर्दे को थोड़ा इधर, पर्दे को ढक दो थोड़ा। तो राजा तद्वेद वरुण तृतीया, राजा उसको तीसरा हो, तीसरा वरुण देव तीसरा होकर के उस सब को जानता है। और आगे कहा, उतेयम भूमि वरुणस्य राज्य, उतासो द्यौर बृहति दूरे अंता, उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी, उतास्मे अल्पे उदके निलीना। कितना ये भाषा से जो परिचित हैं, इसका अद्भुत सौंदर्य, ये जो संस्कृत भाषा से जो परिचित हैं, इन शब्दों को पढ़ेंगे तो उनको एक अलग ही रस आता है। जिस भाषा में जो बात कही जाती है वो ट्रांसलेशन में मिल ही नहीं सकती है। उतेयम भूमि, ये जो भूमि है वरुण राजा की है, उतेयम भूमि वरुण से राज्या, उतासो, और ये जो बड़ा द्युलोक है ये भी वरुण राजा का, ये महान द्युलोक जो दिखाई दे रहा है ये भी वरुण राजा का, ये भूमि भी वरुण राजा की है। दूरे अंता, दूर और समीप में विद्यमान द्युलोक, देखो कितनी दूर तक भी चले जाए और समीप में जो हमारे समीप से समीप जो स्थान है, दूरे अंता देव और पृथ्वी, ये वरुण राजा के हैं। उतौ समुद्रो वरुणस्य कुक्षी, और ये जो समुद्र हैं ये वरुण की कोख की तरह हैं, जैसे हमारी कुक्षी होती है ऐसे वरुण की कुक्षी की तरह हैं। उतास्मिन अल्पे उदके निलीना, और इस अल्प उदक में ये नितराम निलीन हुआ हुआ है। पूर्व और पश्चिम के समुद्रों को कहा ये समुद्र उसके कुक्षी की तरह हैं, और उस अस्मिन अल्पे उदके, इस अल्प उदक में, इस बिंदु में वो सारा का सारा जो है निलीन है। उतयोद्यामति सर्पात परस्तात न समुच्चाते वरुणस्य राज्या, कहते हैं द्युलोक का अतिक्रमण करके उससे भी कोई परे चला जाए, ऐसे जा नहीं पाते हैं पर कल्पना करता है कवि कि द्युलोक से परे भी कोई चला जाए, अपना ऐसा सामर्थ्य विकसित कर ले कि द्युलोक का अतिक्रमण करके, मंत्र कह रहा है उतयोद्यामति सर्पात परस्तात, उससे भी परे चला जाए, स वरुणस्य राज्या न मुच्याते, वरुण राजा का जो फंदा है उसका जो पास है उससे छूट नहीं पाएगा। अस्य दिवस पसा प्रचरंत इदम अस्य, इस वरुण राजा के हजारों आंखों वाले गुप्तचर, सहस्राक्षा का है, हजारों आंखों वाले जो गुप्तचर हैं वो विचरण कर रहे हैं द्युलोक के और इस पार्थिव स्थान में, संसार में विचरण कर रहे हैं। दिवस प्रसा प्रचरंत इदम अस्य सहस्राक्षाति पश्यन्ति भूमिम, और इस भूमि का भी अतिक्रमण करके वो देख रहे हैं।
गुप्त स्थान में किसी गुफा में जाकर के हम छिप जाएं, वहां कुछ गड़बड़ करने लगे, वो भी देख रहे होते हैं। सर्वम तद्राजा वरुणो विचष्टे यदंतरारोदसी यत परस्तात। वरुण राजा उस सबको विवेक पूर्वक देखता है। सर्वम तद्राजा वरुणो विचष्टे, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, बहुत ही सूक्ष्मता से, चष्टे मानी देखता है। यदंतरा रोदसी यत परस्ता, जो कि द्युलोक और पृथ्वी के अंतराल में है और जो इससे परे है, जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है, इससे परे है, उस सबको वरुण राजा देखता है। संख्याता से निमिषो जना नाम, ये आंख जितनी बार पलक ऊपर नीचे होती हैं, ये भी उसने गिन रखी है। संख्याता से निमिषो जना नाम, जनों के निमेश उन्मेष भी इस वरुण ने गिने हुए हैं। अक्षानी स्वग्नि निमिनोतितानी, उन गिने निमेश उन्मेषों को मानी अक्षी स्पंदनों को वो वरुण ही निमिनोति, वही प्रेरित कर रहा है, वही प्रक्षिप्त कर रहा है। हमारी आंखें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, वही प्रेरित कर रहा है। जैसे कि कैसे कर रहा है, एक उपमा दी, भविष्य का हनन करने वाला जैसे कोई जुआ खिलाड़ी हो, स्वग्नि अक्षान पाशों को अपने आसफार में जैसे निमिनोती फेंकता है, अपने विजय की भावना से जैसे फेंकता है। ये ते पाशा वरुणा सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विशिता रुषंता चिनन्तु सर्वे अनृतम वदन्तम यसत्यवाद्यति तम सृजन्तु। हे वरुण, प्रार्थना की, वरुण हमें बांध लेता है, वरुण हमें तत्काल बांध लेता है। यज्ञ में एक कल्पना की गई, एक यूप गाड़ा जाता है और उस यूप के पास में उसको बांध दिया जाता है और उस यूप से बंधा हुआ जो जीव है वो प्रार्थना करता है कि हे वरुण देव, मेरे को इन पासों से छुड़ाओ, मुक्त करो। और वो प्रार्थना सुनकर के वरुण देव उसके पासों को ढीला कर देता है, खोल देता है। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे को वरुण के पासों ने पकड़ भी लिया है, कहीं पर उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, पकड़ में आ गए हैं, जीवन में कोई संकट आ गया, दुख आ गया, अज्ञान आ गया, सबसे बड़ा जो पास है वो अज्ञान का है। जैसे पदार्थ के अभाव का पास होता है, पदार्थ कुछ टूट फूट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी के घर में एक ही गाय और उसी के सहारे से वो जीवन यापन कर रहा हो और वो गाय मर जाए, किसी का एक ही पुत्र और बिछो हो जाए, वियोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कह रहे हैं जब हम उस वरुण से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे उन बंधनों को खोल देता है। हमारा जो वो बंधन बना हुआ है, हमने जो मोह के कारण से जो दुख हो रहा है, या हम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसके कारण से जो परेशानी महसूस हो रही है, तो वरुण देव हमें शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है और वो हमारे उन बंधनों को छुड़ा देता है, ज्ञान देता है और हम मुक्त हो जाते हैं, हम उस परेशानी से निकल जाते हैं। लेकिन प्रार्थना सच्चे तरीके से, सही ढंग से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ यह होता है, मैं कई दिन से एक बात देख रहा हूं, प्रार्थना का अर्थ है कि हमारे अस्तित्व की अंतिम आवश्यकता को हम बार बार महसूस करें। हमारी जो मांग है, हमारी जो अंतिम डिमांड है, अंतिम मांग है, उसको हम गहराई से महसूस करते रहें, इसका नाम प्रार्थना है। जब हम अपनी मांग को गहराई से, अपने हृदय की गहराई से, अपने मन बुद्धि में लाकर के महसूस करते हैं, तो वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि हम कबूल कर रहे हैं, अपनी गलती को कबूल कर रहे हैं। और मैं एक बात पूछता हूँ, छोटे बच्चों से भी पूछता हूँ, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं आचार्य कुलम के, उनसे भी बातें करता हूँ मैं, तो उनसे ये पूछता हूँ, आज की ही बात है, मैंने ये पूछा छठी के बच्चों से कि हमारे जीवन की वो कौन सी घटना है जहाँ से हमारे जीवन में ज्ञान की शुरुआत होती है, हमारे दुख मुक्ति की शुरुआत कहां से होती है। ऐसा मैंने छठी के बच्चों के सामने ये एक समस्या रखी।
और उनमें से सौभाग्य से एक बच्ची ने यह उत्तर दिया कि जब हम अपने कठिनाई को, अपने दुख को, अपने अज्ञान को अपनी आंखों से देख लेते हैं कि ये जो ये गलती, ये तेरी गलती है, ये तेरा व्यवहार गलत है, जब हम अपने दोष को, मेरा प्रश्न था कि दोष से कैसे मुक्त हों, कौन सा वो तरीका है कि हम दोष से छूट जाएं। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, दोष हैं, इसलिए हम इस धरती पर हैं। निर्दोष होने के बाद तो फिर पूरे के पूरे यदि निर्दोष हो जाते हैं तो फिर हमारा एक ही काम रह जाता है, दूसरों को निर्दोष बनाएं। ठीक है, आ सकते हैं, फिर भी निर्दोष होने पर भी इस धरती पर रह सकते हैं, लेकिन हमारी तो कम से कम कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में हम कोशिश अपना जीवन अर्पित कर देंगे, श्री स्वामी जी की तरह, ऐसे महान पुरुषों की तरह दूसरों के जीवन को सपोर्ट करने के लिए जुट जाएंगे। तो दोष हमारे जीवन से अलग हो जाए, इसकी शुरुआत कहां से होती है, यह प्रश्न था। तो एक बच्ची ने कहा, जब हम दोष को दोष देखना शुरू कर देते हैं, दोष को दोष के रूप में देख लेते हैं। हजारों साल पहले पतंजलि ने भी ये बात कही, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुख परिहारः। जिस दोष को दोष के रूप में देख लेते हैं तो उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे परिहार हो जाता है। तो ये वरुण के सामने जो प्रार्थना है ये यही तो है, अपने दोष को कबूल कर लेना। जैसे ही हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं तो हमारा प्राचीन जो संस्कार का जो प्रवाह था, जो हमारा एक रोल बन जाता है, जैसे पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह हमारी स्थिति बन जाती है, उस स्थिति में रोक लग जाता है, हमारा जो प्रवाह है वो टूट जाता है। जैसे ही हम श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा, एपी सुदुराचारा भजते योपी ही सुदुराचारा भजते माम यो अनन्य भाग। सुदुराचार कहा, अब्बल दर्जे का दुराचार में डूबा हुआ व्यक्ति भी अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और मेरी शरण में आ जाता है, वरुण की शरण में चला जाता है। साधु रेव स मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही स, वो उसको समझ लो कि वो ठीक रास्ते पर आ गया है, उसने एक तरफा निश्चय कर लिया है कि अब मेरे जीवन की धारा बदल गई है, अब मैंने अपने पूर्व जीवन को जला दिया है, अपनी पूर्व इच्छाओं को मैंने आहुति दे दी है अग्निकुंड में, उनको भस्म कर दिया है। जब हमारी ये स्थिति होती है, हम कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म के साथ हमारे दो धाराएं चलती हैं, एक तो हम कर्माशय बनाते हैं, एक उस कर्म से संस्कार भी बनाते हैं। जैसे कोई गुस्सा करता है किसी के ऊपर तो एक पाप कर्माशय बनेगा, साथ में गुस्से का संस्कार भी बनेगा। हम कोई पुण्य करते हैं, दान देते हैं जैसे, तो किसी का सहयोग होगा, आप दान दे रहे हैं, पतंजलि योगपीठ को, स्वामी जी को दान दे रहे हैं, हम लोगों को दान दे रहे हैं, तो क्या होगा, दान का स्वभाव भी बनेगा और दान से पुण्य कर्माशय भी बनेगा। हर काम के साथ ऐसा लगा हुआ है, पुण्य भी बनेगा पाप भी बनेगा, अच्छा काम है तो पुण्य बनेगा, गलत काम है तो पाप बनेगा, और साथ में संस्कार भी बनते जाते हैं। तो जो व्यक्ति पाप करता है और उसने बहुत सारे संस्कार अपने बना लिए, तो उस व्यक्ति का जो संस्कार है वो प्रार्थना से दग्ध बीज हो सकता है। यदि हम अपनी हृदय की गहराई से ये महसूस करने लग जाएं कि इस दोष को मैं नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल अंतिम सांस, मेरे जीवन का अंतिम घुटन महसूस कर रहा हूं, मैं इससे निकलना चाहता हूं, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आगे और मेरे में सामर्थ्य नहीं है सहन करने की, ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाती है बात, तो फिर एक अथाशक्ति हमारे अंदर से फूट पड़ती है और हम रक्षित हो जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है। और जब हमारे भीतर ज्ञान आ जाता है तो चीजें सहज हो जाती हैं। जब तक ज्ञान नहीं आता है तब तक हम सामाजिक भय से थोड़ा बचे रह सकते हैं, पुलिस विभाग से बचे रह सकते हैं, समाज से हम
अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, कभी शास्त्र का स्मरण करके अपने को बचा कर रख सकते हैं, गुरुजनों की स्मृति से अपने को बचाते हैं, और यदि उसका वेग ज्यादा हो गया संकल्प से भी बचते हैं, अपने संकल्प को स्मरण करते हैं तो उससे बचते हैं। लेकिन असली बचाव जो है वो वरुण की रक्षा में जाने से ही हमारा असली बचाव होता है। और वरुण की सुरक्षा मिलती है जब हम सरेंडर कर देते हैं, पूरा का पूरा अपने आप को उसके चरणों में सौंप देते हैं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। देखो रोज एक मंत्र बोलते हैं, अग्ने न सुपथाराए, हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, मेरे को पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, आप सर्वज्ञ मार्गदर्शन कीजिए। युयोध्यस्मत् जुहुराणमेन, और मेरी कुटिलताओं को, मेरे पाप को, मेरे दुर्भाव को दूर करो, मैं आपकी शरण में हूं। भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेयम का अर्थ है मैं आपकी शरण में हूं, नमः का अर्थ होता है समर्पण, शरण, मैं आपकी शरण में हूं हे प्रभो। जब हम अपनी आभ्यंतर स्थिति ऐसी बना लेते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, तो हमारी रक्षा होने लगती है। तो यहां पर ये कहा, एते पाशा वरुण सप्त सप्त, हे वरुण देव, जो तेरे फंदे सात सात फंदे विविध प्रकार से स्थित हैं, ये जो हमारी बुद्धि में एक फंदा है, हमारे अहंकार में एक फंदा है, और इंद्रियों में एक फंदे हैं, महतत्व अहंकार, और ये जो इंद्रियां हैं इनमें जो फंदे हैं, सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विशिता रुषंत, सात्विक राजसिक और तामसिक तीन रूप से वो शरीर को हिंसित कर रहे हैं और मेरे को बांधे हुए हैं। छिनंतु सर्वे अनृतम वदंतम, वे सब असत्य बोलने वाले को काट दें, वे फंदे जो हैं, जो झूठ बोलता है उसको काट डालें। या सत्यवादी तम अतिसृजंतु, लेकिन जो सत्यवक्ता है, जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, उसको तो छोड़ दें, उसको तो बख्श दें, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो वेदों में ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, देखो आपको आश्चर्य होगा कैसी कैसी सुंदर प्रार्थनाएं हैं हमारे हृदय के आंतरिक जो डिमांड है, मांग है, उसको प्रस्तुत किया गया है। शतेन पासे अभिधेहि वरुणा, एनम माते मोची अनृत वांग रिचक्षा, हे वरुण देव, एनम शतेन पासे, इसको सौ फंदों के द्वारा बांध दे। किसको? जो गलत काम करता है इसको सैकड़ों फंदों से बांध दे। शत शब्द असंख्य अर्थ में आता है वेद में। नृचक्ष नर नारियों पर दृष्टि रखने वाले, अनृत वाक ते मां मोची, जो असत्य वक्ता है, असत्य व्यवहार करता है, दूसरों को छलता है, छल कपट करता है, झूठ बोलता है, वो तेरे फंदों से ना छूटे। जालमा असत्य बोलकर जाल बिछाने वाला, उदरम स्रं सहित्वा अपने पेट को अवस्रस्त करके, अपने पेट को बांध करके रखे, जो जाल में है, उदरम संस्रयित्वा आस्ताम अपने जाल को अवस्रस्त करके रखे, जैसे अबंधा कोशा, जैसे कि कोई बंध रहित पुष्प कोष परिकृत्य माना सब ओर से कटा हुआ होकर के रहता है। यहां पर एक संकेत किया कि जैसे कि कोई जलोदर रोग होता है, उदर का रोग, जलोदर, पेट फूल जाता है, नीचे की ओर अवलंबित हो जाता है, तो उसके लिए ये बात कही कि अवस्रस्त द्वारा निर्दिष्ट जलोदर रोग जैसे किसी को हो गया हो, आस्ताम जालमा उदरम संसहित्वा, उसका पेट बढ़ जाता है और वो जो है उसको जलोदर रोग उसको घेर लेता है, इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। सतेन पासे ही सैकड़ों, जैसे हमारा वेट बढ़ता है, जैसे उदर बढ़ता है, तो स्वामी जी रोज सिखाते रहते हैं कि एक मोटापे के साथ बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे जीवन में आने लगती हैं। और इस तरह से यहां वरुण से प्रार्थना की, कितनी सारी ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं वरुण से की जाती हैं कि हे वरुण देव, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, मैं सही रास्ते पर चलूंगा। जो जैसे कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, वर्तमान तो सभी का निर्दोष होता है। व्यक्ति यदि गहरी आंखों से देखे
तो वर्तमान सभी का निर्दोष होता है। वर्तमान क्षण, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं स्वामी जी के चरणों में, अभी आप अपने मन की स्थिति को देखिए, आप कैसी स्थिति में। आप कहेंगे कि अभी तो निष्पाप हैं, अभी तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं। जैसे वो बहने गीत गा रही थी कि तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो, बड़ा भावना में बड़ा शुद्ध सुंदर जो है, जैसे गीत गा रही थी। तो जब हम ऐसे हैं, हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, तो वर्तमान समय में तो ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन भूतकाल की बातों को, जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे, भूतकाल का जो शोक है, उपनिषद में भी कहा, दो बातें व्यक्ति को व्यथित करती रहती हैं, व्यक्ति को जलाती रहती हैं कि मैं ये बुरा काम क्यों कर डाला मैंने, और मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया। ये दो बातें मनुष्य को जलाती रहती हैं। ये सब अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है, सारी उष्ण वासनाएं जो हैं शांत हो जाती है, ठंडी पड़ जाती हैं। सारी गर्म गर्म वासनाएं जो होती हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं जब आदमी वरुण की शरण में चला जाता है, वरुण देव की शरण ग्रहण कर लेता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो ये सारी जो आग है वो बुझ जाती है, शांत हो जाती है, बर्फ जैसा, आइस जैसा हो जाता है। जैसे वो फ्रिज के सामने जाकर के बैठते हैं, एक बार खोलते हैं, जैसे जैसे उसका झोंका आता है, या किसी एसी रूम में जाकर खड़े होते हैं, बाहर से गर्मी से जाते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है, ऐसे जब हम वरुण की शरण में जाते हैं तो ऐसे शांति मिलती है, ऐसे सहज स्थिति हमारी हो जाती है। तो हम सही तरीके से, वरुण तो बांधने वाला देवता है, जो बांधता है वही मुक्त करता है। जब हम गलती करते हैं, जब हम मन से, वचन से, कर्म से उसके विधान को तोड़ते हैं, स्वामी जी एक बात सुनाया करते हैं, संतोष हेगड़े की एक बात सुनाते हैं कि संतोष हेगड़े एक बात कहते हैं, वो बड़ी मेरे को पसंद आई, स्वामी जी ऐसे सुनाते हैं, मैंने सुना उनसे, कि भाई कानून को नहीं तोड़ना चाहिए आदमी को, पता नहीं कहां जाकर के पकड़ लेगा। एक जस्टिस हैं संतोष हेगड़े, तो वो कहते हैं कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, पता नहीं कहां जाकर के पकड़ लेगा। तो एक स्टेट का कानून होता है, एक कानून जो है समाज का होता है, एक कानून शास्त्र का होता है, एक कानून गुरुजनों का होता है, एक कानून हमारे वरुण देव का होता है, जो हमारी अंतरात्मा में जो सदा उपस्थित है। कहीं भी किसी कानून को तोड़ेंगे, किसी विधान को तोड़ेंगे, तो कानून हमको कभी न कभी पकड़ लेगा, और उससे मुक्ति का उपाय भी उसी के पास है। ये बाहर के जो स्टेट के कानून है वो भी हमारे को इसी रास्ते पर ले जाते हैं, हमको जेल में डाल देते हैं, जेल को सुधार घर कहा जाता है, वो भी हमको उसी रास्ते पर ले जाते हैं कि भाई तुम अपने इस स्वभाव को बदलो। ये बात अलग है कि उसमें हमारा ज्ञान परिष्कृत नहीं हो पाता, केवल हमारे को दुख दिया जाता है, और उस दुख से हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं आती, हम नहीं सोच पाते, हम उस दुख से सजग नहीं हो पाते। दुख तो आता है हमें चेतन करने के लिए। ये अभी जो पुस्तक आ रही है साधक पाथे नाम से, परसों शायद आपको मिलेगी, तो इसमें हमने एक चैप्टर रखा है दुख का, आपको मिलेगी, आप जरूर पढ़ना दुख का चैप्टर। और एक चैप्टर हमने रखा है प्रभु वरदे, इसमें एक चैप्टर है लंबा सा प्रभु वरदे, हम भगवान से वर मांगते हैं, और एक दुख का चैप्टर भी रखा है। तो ये दुख वरुण देवता के द्वारा हमारे को अपने फंदे में फंसाया है, हमारे कर्मों के कारण से हमको उसने अपने जाल में फंसाया है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति भीमा ही अस्य हेतया, इसके जो वज्र हैं बड़े भयानक हैं,